तो स्टार्ट करते हैं। हमारा 13th क्वेश्चन है, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये गलत है क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो, जितना लूडिंग पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उतना ही अपोजिशन का भी होता है, तो कोई भी इसको अमेंड करने का प्रस्ताव ला सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर दूसरा है, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज और हर असेंट। तो ये सही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, आपने पास किया है, तो एक तो 2/3 मेजोरिटी से पास होता है तो इसलिए ऑब्लिगेटरी बन जाता है, तो ये सही है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय अ स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर जॉइंट सिटिंग। तो ये भी सही है क्योंकि वहाँ पर कोई प्रोविज़न नहीं होता जॉइंट सिटिंग का, आपको अलग अलग दोनों हाउसेस में इसको पास करना होता है। तो 2 and 3 आर करेक्ट। फिर 14th है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स। ध्यान दें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बोल रहा है, इनटू 4 रैंक्स, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है क्योंकि ये कन्वेंशन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन इसको बांटता नहीं है कि 4 रैंक्स होती है, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है हमारे। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। तो ये सही है, ये भी कोई अमेंडमेंट था, बताइए कौन सा था, 84th था कौन सा था। तो ये अमेंडमेंट तक किया गया था कि आप 15% नहीं हो सकता इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। पहले क्या था कि कितने भी मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर देती थी गवर्नमेंट, तो उसको कर्व करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया था। तो करेक्ट पूछा है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज़ और आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी को रेटिफाई करने के लिए सिर्फ लोकसभा ही करती है, नहीं ये गलत है, दोनों ही करती हैं, लोकसभा राज्यसभा। फिर है, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये सही है क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आता है और गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, तो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है इसको, राज्यसभा में लेके नहीं आया जा सकता है इसको। फिर अगला है, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वहाँ पर तो दोनों ही करते हैं, लोकसभा में भी हो सकता है इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का और राज्यसभा में भी हो सकता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो सिर्फ दो ही सही है, सो ओनली 2, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट जॉइन एनी पोलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स ऑफ बींग अपॉइंटेड टू द हाउस। तो ये गलत है क्योंकि इसमें कैन नॉट लिखा हुआ है, लॉ में ये है कि आप कोई भी नॉमिनेटेड मेम्बर होगा जिसको अपॉइंट किया गया, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गए, तो ये लोग क्या है, ज्वाइन कर सकते हैं विद इन 6 मंथ्स, उसके बाद ज्वाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए गलत हो जाएगा, कैन नॉट लिखा हुआ है। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। तो ये भी सही है क्योंकि होता क्या है, पार्टीज इसी का फ़ायदा उठाती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में देखा कि जो भी डिफेक्शन के केसेस आते हैं उस पर स्पीकर फैसला नहीं लेते हैं, वो पड़ा रहता है और जो असेंबली का टेन्योर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस लूप होल को यूज़ करके काफ़ी स्टेट्स की गवर्नमेंट्स को गिराया जा चुका है, तो उस पर क्वेश्चन बनाया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसने करेक्ट पूछा हुआ है, तो ओनली 2 हो जाएगा।